नमस्कार दोस्तों, हम राहुल राज, आप देख रहे हैं टेक्निकल बिहार चैनल। तो चलिए इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं, किसानों के लिए एक सुनहरा मौका फिर से दे दिया गया है। किसान रजिस्ट्रेशन फिर से चालू हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, कैसे आप लोग खुद से रजिस्ट्रेशन करेंगे, पूरा जानकारी मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, उससे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि जो वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकर चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, बताते हैं आप लोगों को किसान रजिस्ट्रेशन फिर से जो चालू हुआ, आप लोग उसमें कैसे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना फ्रेंड्स, आप लोग को अपना गूगल ब्राउजर ओपन करना है। ओके फ्रेंड्स, गूगल ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको इसमें टाइप करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, देख सकते हो फ्रेंड्स, DBT बिहार, इस तरह से टाइप करना और सर्च करना। ओके, तो चले मैं सर्च किया। सर्च करने के बाद देखेंगे फ्रेंड्स, आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, DBT का ऑफिशियल वेबसाइट जो यहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, लिखा हुआ है dbtagriculture.bihar.gov.in। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना। ओके, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्लिक करता हूँ। तो जैसे उस पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। आपके सामने इस तरह से एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा महत्वपूर्ण संदेश। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, लिखा हुआ है, देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रिय किसान, फसल आवेश नहीं विशेष। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, इस बॉक्स में यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ क्या लिखा हुआ है। धान की कटनी मशीन से करने के बाद पुआल फसल आवेश को खेत में नहीं जलाना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, ये बता रहा है कि अगर आप धान का कटनी करवाते हैं तो अपना पुआल जो होता है, उसका भूसा जिसको बोलते हैं, वो खेत में नहीं जलाना चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, खेतों में फसल अवशेष जलाने से आपकी मिट्टी और जलवायु को भारी नुकसान होता है। ओके फ्रेंड्स, अगर आप खेत में फसल जलाते हैं तो आपका जो मिट्टी है उस जलवायु को बहुत ही भारी नुकसान हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, फसल अवशेष जलाने वाले किसानों को कृषि विभाग की योजनाओं से आगामी 3 साल यानी कि 3 वर्षों तक आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, लिखा हुआ फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसान लिंक अवश्य देखें। तो आपको सिंपली से क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना। ओके, तो चले मैं प्रोसीड टू होम पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो जैसे उस पर क्लिक करेंगे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आपके सामने इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आपको क्या करना, नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते चले जाना। यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैं आप लोग को बताया कि किसान रजिस्ट्रेशन का पंजीकरण फिर से स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, पंजीकरण करें पे यहाँ पे देख सकते हैं, पहले कुछ दिन पहले, आज से 2-4 दिन पहले देखते होंगे, यहाँ पे जो है सो पंजीकरण यहाँ पे देखते होंगे बंद है, इस तरह से दिखता होगा। ओके फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे यहाँ पे शो हो रहा है बंद है, उसी तरह वहाँ पे पहले दिखता होगा। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पंजीकरण स्टार्ट हो चुका है, किसान पंजीकरण। तो जो भी किसान इसमें पंजीकरण नहीं किए हैं, जल्दी से अपना पंजीकरण कर लें, नहीं तो बाद में अगर फिर छूट जाते हैं तो बाद में फिर आप लोग इसमें इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। जैसे कि हो गया, जो ये हो गया, जैसे कि अभी हो रहा है कृषि इनपुट अनुदान के लिए आवेदन हो रहा है, कृषि, उसके बाद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आवेदन हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका आवेदन हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, जल जीवन हरियाली का आवेदन हो रहा है, बीज अनुदान का आवेदन हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, कृषि यांत्रिक ऊर्जा का आवेदन हो रहा है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई का ऑनलाइन आवेदन हो रहा है। तो ये सब योजना का आप लोग लाभ ले सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग अपना जो है सो किसान पंजीकरण कर लें, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, आप लोग इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। तो चलिए, अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जो वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।